टांडा बरोड में गणगौर माता रूपी जवारों का हुआ विसर्जन, विधि विधान से सामूहिक पूजा पाठ, महाआरती कर नम आंखों से दी माता को विदाई। टांडा बरोड में 3 दिवसीय गणगौर पर्व का समापन हुआ। निमाड़ का ये महापर्व समूचे आसपास के क्षेत्र के ग्रामों में भी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। माता के प्रतीक जवारों का 9 दिनों तक पूर्ण पवित्रता एवं भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया गया। इस पर्व के दौरान 9 दिनों तक महिलाओं द्वारा प्रतिदिन गणगौर माता के झालरिये गाकर मेहंदी और तमोल बांटा गया। गणगौर पर्व पर समूचे क्षेत्र में 9 दिनों तक ढोल ताशे पर माता के झालरियों की खासी धूम रही। इस दौरान माता के पाठ बैठाने और रेणुबाई एवं धनियर राजा के रथ घर लाने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। गणगौर माता की शोभा यात्रा ग्राम के मुख्य मार्गों से शाम 6 बजे से प्रारंभ हुई, जो रात्रि 10 बजे तक चली। मोहिनी नदी के तट पर माता की बाड़ी में गणगौर माता का विधि विधान से सामूहिक पूजन अर्चन एवं महाआरती कर माता को नम आंखों से विसर्जित किया गया। माता के रथों की संख्या 150 से अधिक थी। युवाओं की गणगौर उत्सव समिति की ग्राम में सराहना की जा रही है, जिन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ माता के विसर्जन स्थल को बहुत ही आकर्षक रोशनी कर सजाया था। ऐसी व्यवस्था को देख ग्राम के लोगों ने युवा गणगौर उत्सव समिति को धन्यवाद दिया। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, टांडा बरोड। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।